हेलो एंड नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सेपरेशन पीरियड रहता है, इसमें एक्चुअली ये होता है आपके आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। जब इस रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं एक दूसरे के बीच में, यानी कि एक फाइट रहता है ना, और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक सही होता है, दूसरा भी कहता है कि मैं सही हूँ, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू ही ये पहला सेपरेशन आपका होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग होती है इसी वजह से, क्योंकि आप एक दूसरे के फियर्स से डील नहीं कर पाते हैं, अपने फियर्स से डील नहीं कर पाते हैं, इमोशनल बैगेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके, इस वजह से ये वाले कारण बनते हैं। एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट भी होता है। इंटेंस कनेक्शन तो है ही, इंटेंस रोमांटिक कनेक्शन भी है, लेकिन इंटेंस कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, और इसी वजह से आपका जो पार्टनर है वो रनर बन जाते हैं। दूसरी बात यही है कि या तो आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तो बिल्कुल एब्सेंट कम्युनिकेशन होगा, मतलब पूरी तरह से वो आपको साइड कर देंगे और किसी भी तरह से बात करने से बंद कर देंगे, कॉन्टैक्ट कटिंग हो जाती है पूरी तरह से, बिल्कुल बात करना बंद। आप सोचते हैं कि हो क्या रहा है, ये वाकई सेपरेशन स्टेज ही है। आप ऐसे में आपके पार्टनर को रनर भी इस समय में भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो कुछ बात ही नहीं कर रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ब्लॉक ही करें, हर कोई ब्लॉक नहीं करता है। मैच्योरिटी लेवल के ऊपर बात होती है इसमें कि कोई ब्लॉक करे कोई नहीं करे, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ब्लॉक किया है, पर हाँ आपने कुछ जवाब दिया, वो देख रहे हैं, सीन कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह। तो पूरी तरह से साइलेंट हो जाना, और ये वाली बात फिर सेपरेशन तक जाती है। लेकिन इस सेपरेशन पीरियड में ड्रीम कनेक्शन आपका बना रहता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सोल कनेक्शन है तो ड्रीम कनेक्शन भी, वाया ड्रीम कई तरह के ये ड्रीम आपको आते हैं आपके पार्टनर के, और इसी तरह से वो ये बताते हैं कि स्पिरिचुअली एडवांस्ड आप दोनों हैं, और वहाँ पर आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इवन आप अपनी एनर्जीज़ का, या आपके जो रीसेंट फाइट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं, या फिर स्पिरिचुअली हाई होने के लिए कुछ ऑर्डर देते हैं, या कुछ इस तरह की बात होती है कि अब कुछ और किया जाए। ड्रीम्स में इस तरह से ही आपके फंक्शंस काम करते हैं। और क्या बात होती है, ट्विन फ्लेम सेपरेशन में एक तरह से एक सैडनेस जिसे कहते हैं ना, वो ज़रूर आ जाती है, तो उसे सेपरेशन ब्लूज़ भी कहते हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम सेपरेशन होता है, इस टाइम पीरियड में दोनों को ही हर्टफुलनेस फीलिंग होती है, दोनों ही एक दूसरे को, जब आर्ग्यूमेंट होता है या बिना किसी आर्ग्यूमेंट के भी ब्रेकअप जैसा हो जाता है, तो वो बिल्कुल ही ग्लूमी हो जाता है। तो ग्लूमी पैटर्न को क्या बोलेंगे, बिल्कुल लोनलीनेस, लेथार्जिक हो जाना और ब्लूज़ हो जाना, इसलिए ब्लूज़ कहते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लूज़ ज़रूर आते हैं। आपको भी यदि टैरो एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरह की सर्विस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर क्लिक करें, मैसेज करें। और सिंक्रोनिसिटीज़ क्या होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, सेपरेशन में? सिंक्रोनिसिटीज़ तो बहुत भरमार के आती हैं, होती है कि नहीं? ये नंबर दिख गया, वो एंजल नंबर दिख गया, उनका बर्थडे दिख गया, उनका नाम दिख गया, और ढेर सारे, चाहे आप कोई सी भी स्टेज पर हों। यहाँ पर आपका अपना ट्विन फ्लेम के साथ इस तरह का सेपरेशन टाइम पीरियड में सोल कनेक्शन बहुत टाइटली महसूस होता है। आप जब ये सोचते हैं ना कि ठीक है अब हम ना अपने लिए काम करते हैं, अब हम अपने लाइन पकड़ लेते हैं, बस हमें इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, चलो हम अपना काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या इंटेंस आपके जो है ये सोल कनेक्शन फील होने लगता है आपको। तो पर्टिकुलर नंबर भी दिखते हैं, कोई एक सॉन्ग दिखता है, कोई स्टेटमेंट आपने ऐसे रीड की होती है, या कुछ इस तरह का स्पेशल मीनिंग जो कि आपके लिए लेकर आता है, या आप दोनों के बीच में जो सिर्फ आप दोनों को ही पता है, वही सारी बातों के सिंक्रोनिसिटीज़ यूनिवर्स आपसे करवाता है, आपको करवाता है। इतनी सिंक्रोनिसिटीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी में जितनी होती है, उतनी किसी और जर्नी में नहीं होती है। कोई पेयर्स देख लिया, कुछ और देख लिया, वो सारी चीज़ें होती हैं। और नंबर 6 पॉइंट ये बताऊंगी कि टेलीपैथिक बॉन्ड आपका बहुत ही खूबसूरत रहता है। हाँ, टेलीपैथिक बॉन्ड है ये। एक्चुअली ये जो प्यारा सा कनेक्शन है, ये वीक कनेक्शन तब बनता है जब आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। स्ट्रॉन्ग कब बनता है, जब सेपरेशन पीरियड में टेलीपैथिक कनेक्शन आपका होता है, और उस सेपरेशन फेज में आप समझ पाते हैं कि इस फेज में आप अपने आप को कितना ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं, अपनी सोल के लिए क्या काम कर रहे हैं, आप अपने ब्लूज़ या फिर आप अपने एंग्जाइटी या फिर आपका जो भी ग्लूमी एरिया है आपके दिल का कॉर्नर है ना, जो तकलीफ में है, जो चाइल्डहुड वूंड्स हैं, वो आप ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं। तो टेलीपैथिक बॉन्ड आपका रहता ही रहता है। और सबसे ज़्यादा कि आप दूसरों को सर्व करने के लिए बहुत अच्छे रूप से अपनी सोल को इवॉल्व कर लेते हैं, और इससे भी अच्छा कि आप रियूनियन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जी हाँ,
सेपरेशन टाइम पीरियड में ही आप जो ट्विन फ्लेम्स हैं रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रीयूनियन ही अल्टीमेट गोल है ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट रीयूनियन आपका पहले अपने आप से। क्या मतलब? इसका मतलब है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, आपकी आत्मा का आपके परमात्मा से मिलन। तो फिजिकली भी हो सकता है, ये डिवाइन इंटरवेंशन के आधार पर हो सकता है, डिवाइन इंटरवेंशन हो तो हो सकता है कि नहीं। अच्छा, तो जब ये यूनिवर्स आपके लिए इस तरह से चीज़ें लेकर आते हैं, सिंक्रोनिसिटीज करते हैं, तो उस समय में ये एक तरह से डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे होते हैं कि टेस्ट ले रहे हैं कि भाई समझ जाओ, इस टेस्ट में पास होके दिखाना है। तो इस टेस्ट में आप पास होंगे, तभी हो पाएंगे जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी। तो ये जो सेपरेशन पीरियड है इसमें यही आपके अवेयर्ड जो थॉट्स होते हैं वो ट्विन फ्लेम के थ्रू एक दूसरे के रीड कर पाते हैं, तभी ये सिम्टम्स आप एक दूसरे को दे पाते हैं या समझ पाते हैं। टेलीपैथिक बॉन्ड भी, मैंने इसीलिए कहा कि टेलीपैथिक बॉन्ड बना रहता है, ये आपकी एक तरह से नई बिगनिंग होती है कि आप पुरानी चीज़ों को जस्ट ब्रश इट ऑफ कर दें, साफ कर दें, झाड़ू मार दें, साफ कर दें, जो भी कुछ पुराना है थिंकिंग है वो, जो भी कुछ पुराना आपने एक दूसरे को बोला वो, जो भी कुछ पुराने कार्मिक पैटर्न है वो, उन सब पर पानी फेरिए, साइड कर दीजिए, साफ नीट एंड क्लीन। आपका जो सोल है वो एक वेसल है ना, तो वो वेसल है, उस वेसल को आपने नीट एंड क्लीन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सेपरेशन तब भी आता है जब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। कई सालों के बाद आपने, जैसे मान लीजिए आपने वो किया कि चलो अब कोई बात नहीं, हम भूल गए जी, फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दिया है, चलो एक उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हैं तो हम ही कर देते हैं। और अगर आपने कर भी दिया और तुरंत उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ऐसा भी होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही डर जाते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी नहीं हुई होती। याद वो आपको करते हैं उनकी पोस्ट से या उनकी किसी भी चीज़ों से, आप समझ सकते हैं कि वो आपके और उनके ही बीच की बातों को पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इधर हेलो भेज दिया तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम, जब गुम हो जाती है तो फिर वो भागने लगते हैं, एक बार फिर से आपको ब्लॉक कर सकते हैं। सभी करते हैं ऐसी बात नहीं है, सभी का सेपरेशन होता है ऐसी बात है, सभी का लॉन्ग सेपरेशन होता है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन सेपरेशन ज़रूर होता है, कारण कई सारे हो सकते हैं, या आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या कोई बात उनको बुरी लगी और बिल्कुल ही साइलेंट हो गए, ये हो सकता है आपको बुरी लगी और आपने बिल्कुल साइड हो लिया कि भाई अब नहीं, बस अब और नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की और धज्जियाँ मुझे तुमसे नहीं उड़ानी है। कुछ कई बार क्या होता है, ट्विन फ्लेम जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स उनके अंदर होते हैं। अगर उनके माता पिता इस तरह के हैं तो उनके अंदर डेफिनेटली वो वाले ट्रेट्स आएंगे, गोस्टिंग करना, झूठ बोलना, इधर की उधर करना, आपका नाम खराब करना, ये काम भी हो जाते हैं ट्विन फ्लेम से भी, जिनके अंदर कुछ ज़्यादा ही नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं। तो ये वाली बात होती है। तो इस तरह के जो सेपरेशन साइंस हैं, इस साइंस तो बताए मैंने, साथ ही साथ ये बताया कि सेपरेशन के दौरान क्या क्या होता है। तो सेपरेशन के दौरान ही आपको ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं देखने को मिलते हैं, और आप अपने आप की सोल की ग्रोथ करते हैं। सोल की ग्रोथ तभी हो पाती है जब आप ये समझ पाते हैं कि भाई अब मुझे इससे ज़्यादा और देना नहीं है, देना मतलब अब और इससे ज़्यादा मैं और एफर्ट्स नहीं लगा सकता या सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरी सेल्फ हेल्दी बाउंड्री आ जाती है, मेरी यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है, आपका काम खराब हो रहा है, सब कुछ, मतलब आपका ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्टिक बिहेव कर रहा है या कार्मिक जैसा बिहेव कर रहा है, उनको टाटा बाय बाय कर दो। कुछ टाइम के लिए टाटा बाय बाय करना ज़रूरी है ताकि आप अपने इनर पीस में आ सकें। अब अगर आपने टाटा बाय बाय कर दिया और फिर आप खुद ही सोच रहे हैं कि क्या होगा, वो भूल तो नहीं जाएंगे, तो फिर आप अपने आप को फिर से गड्ढे में गिराते हैं। वो मत कीजिए, वो काम बिल्कुल भी मत कीजिए, आप सिर्फ अपने लिए करते चले जाइए, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है, फिर किस बात का डरना, आपने दिया है ना, अब वहाँ से देने की बारी है। और फिर भी नहीं दे सकते हैं तो बाय बाय ही सही है कि नहीं, तो बाय बाय ही सही। आपका मेंटल पीस ज़रूरी है, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूरी है, आपकी फिजिकल ग्रोथ ज़रूरी है, मेंटल ग्रोथ ज़रूरी है, इमोशनली आपको इवॉल्व होना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनली अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपका माइंड बॉडी सोल भी स्ट्रांग नहीं हो पाता है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आप किसी भी स्थिति में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी की कोई सी भी स्टेज में हो, घर में चाहे आप किसी भी तरह की स्थिति से गुजर रहे हो, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप बिल्कुल ही अकेले हैं, या 20 लोगों में रहते हैं एक साथ, कुछ भी हो, कुछ भी मैटर हो,
आपका जो सोल है वो आप अपने आप में है, आप अपने आप में इंडिविजुअल हो, कंप्लीट हो, ये चीज़ आपको समझनी होगी बस, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल फिर, धन्यवाद।